तो दोस्तों हमें फाइनली यामा की लार्जेस्ट सेलिंग मॉडल यामा FZS वर्जन 3 का BS6 अपग्रेडेड मॉडल अवेलेबल हो चुका है। और दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि अब ये अवेलेबल होते ही मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू लाऊंगा, तो दोस्तों मैं हाजिर हूँ आज यामा FZS वर्जन 3 का BS6 मॉडल को लेकर। तो देर ही सही, लेकिन मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बारीकी से समझाऊंगा कि क्या कुछ इसमें चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द बंगाल राइडर, मैं हूं आपका होस्ट अरिजीत। अगर आपने पहली बार इस चैनल में है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे साथ हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे चेंजेस जो हुआ है ये लगभग इंजन में ही चेंजेस हुआ है और बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। बस कुछ यहाँ पे स्टिकर्स की चेंज किया गया है। दोस्तों यहाँ पे बाकी दूसरे BS6 बाइक्स की तरह प्राइस में 8-10 हज़ार रुपये नहीं बढ़ा है, सिर्फ ये 2.5 से 3 हज़ार रुपये का प्राइस इंक्रीज हुआ है BS4 से जब ये BS6 हुआ है। और ये पहले से ही काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी और FI के साथ आता था, इसीलिए एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई भी प्राइस चेंज या फिर प्राइस की इंक्रीज नहीं आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों मेन जो यहाँ पे चेंज है वो इसका इंजन में है। इंजन की जो ECU है उसे अभी कम्प्लीटली रिप्रोग्राम्ड किया गया है और इसकी जो इग्निशन टाइमिंग और मैप सेंसिंग है उसके ऊपर भी अलग से काम किया गया है। दोस्तों अब जो पावर है ये 0.8 PS कम करके 12.4 PS किया गया है और टॉर्क जो है ये 0.8 न्यूटन मीटर्स बढ़ा के 13.6 न्यूटन मीटर्स कर दिया गया है। और टॉर्क आपको 500 RPM पहले और पावर 750 RPM पहले पीक पावर और टॉर्क जेनरेट होगा। तो दोस्तों लगभग हम आसान शब्दों में कहें तो सिटी के अंदर चलाने के लिए और भी ज़्यादा पिकअप आपको मिलेगा, लेकिन टॉप स्पीड में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया। अब दोस्तों थोड़े से यहाँ पे आप अंडर पावर्ड इसको कह सकते हैं। मेरा उम्मीद था, मेरा एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट यामा से था कि पावर ये लोग थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी ये बाइक आज भी उतना ही अच्छा है और उतना ही वैल्यू फॉर मनी एक प्रोपोर्शन हमारे लिए है। दोस्तों इंजन पहले जैसा ही एक सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड SOHC 2-वाल्व फुल इंजेक्टेड ब्लू कोर इंजन है, जिसमें अभी पावर दिया गया है 12.4 PS और टॉर्क है 13.6 न्यूटन मीटर्स और इसमें 5 गियर्स है और सिर्फ आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों माइलेज आपको पहले से बेटर मिलेगा, सिटी राइडिंग के अंदर और भी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और टॉप स्पीड में थोड़ा सा आपको कमी महसूस होगी, क्योंकि इसकी जो टॉप इसकी जो पावर है पीक पावर है उसमें उसको थोड़ा सा घटा दिया गया है। दोस्तों ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स पहले से थोड़ा सा यहाँ पे चेंज्ड आपको देखने को मिलेगा और दोनों ही साइड पे टैंक पे आपको क्रोम गार्निशिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों नीचे जो इंजन काउल आता है ये पहले सिर्फ FZS में आता था, लेकिन अभी ये FZ में भी अवेलेबल किया गया है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकेंगे वर्जन 3 यहाँ पे गोल्डन कलर पे लिखा हुआ मिलेगा और फॉर्क के ऊपर यामा की जो लोगो है ये भी आपको इसी डार्क नाइट स्पेशल एडिशन में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये एक जो इन्फ्लेटेड जगह आप देख रहे हैं इसमें बेसिकली बहुत ही एक बड़ा सा सेटअप दिया गया है, यहाँ पे कैनिस्टर लगा हुआ है और ये जो ऊपर एक तार आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन सेंसर है। तो इससे आप समझेंगे कि आपकी बाइक BS4 है या BS6 है। ये BS6 है इसीलिए यहाँ पे आपको कैटलिटिक कन्वर्टर और ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलेगा। नीचे की जो आप इंजन काउल देख रहे हैं ये बेसिकली पहले सिर्फ FZS में ही आता था, लेकिन अभी ये FZ में भी अवेलेबल किया गया है। दोस्तों इंजन में जो काम हुआ है इससे बेसिकली जो आपका माइलेज है ये पहले से 2 से 3 किलोमीटर ज़्यादा आपको मिल सकता है अगर आप एक डिसेंट तरीके से बाइक को चलाते हैं। तो यामा की जो यहाँ पे बैजिंग आप देख रहे हैं गोल्डन कलर में, ये बेसिकली ये जो डार्क नाइट एडिशन है इस डार्क नाइट एडिशन में आपको देखने को मिलेगा। एक और रेड कलर दिया गया है, डार्जिलिंग रेड कलर, वो बाइक जब हमें मिलेगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए रिव्यू में लाऊँगा। तो दोस्तों इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा और पीक पावर में चेंजेस है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया और इसकी जो माइलेज है इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा माइलेज मिल जाएगा, लेकिन जो पिकअप है एक्सेलरेशन है वो टॉर्क के बढ़ने के वजह से पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। अब दोस्तों पूरी बाइक को आप देख सकते हैं, बहुत ही एक मस्कुलर बाइक है और अगर आप इस बाइक को ओन करना चाहते हैं तो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दे दूंगा और डीलरशिप का एड्रेस दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। और अगर आप हावड़ा या कोलकाता में रहते हैं तो आप इस शोरूम से बाइक खरीद भी सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा या फिर बहुत ही नॉमिनल चेंजेस देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको एक 2-पीस LED सेटअप मिलता है और नीचे की तरफ आपको मिलेगा लो बीम और उसके भी नीचे एक पायलट लैंप मिलेगा जो कि हैलोजन यूनिट है। ये आप देख सकेंगे दोस्तों, ये बेसिकली एक नीचे की जो छोटी सी यहाँ पे पार्किंग बल्ब दिया गया है ये हैलोजन यूनिट है, बाकी
पूरा जो हेडलैम्प सेटअप है ये एलईडी सेटअप दिया गया है। ऊपर की तरफ आपको हाई बीम देखने को मिलेगा। दोस्तों ये फुल्ली डीसी कनेक्शन पर काम करता है 35x35 वॉट का और एलईडी होने की वजह से इल्यूमिनेशन काफ़ी अच्छा है। ऊपर की तरफ अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये क्लियर लेंस टाइप इंडिकेटर्स है और नॉन फ्लेक्सीबल टाइप है। बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की दोस्तों, तो ये नेटिव डिस्प्ले पर आता है, फुली डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे है और यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फुल इंडिकेशन, दो ट्रिप मीटर्स और इसके साथ साथ इको इंडिकेटर जैसे कि पहले मिलता था अभी भी वैसे ही मीटर को रखा गया है। दोस्तों इसके साथ साथ एक इंजन मैलफंक्शन लाइट, ABS लाइट इंडिकेटर, न्यूट्रल इंडिकेटर, हाई बीम, साइड बीम और इसके साथ साथ एक क्लॉक भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। दोस्तों मुझे अच्छा लगता और भी अच्छा लगता कि अगर जो इन्फॉर्मेशन है ये एक साथ डिस्प्ले हो जाता तो, लेकिन इसमें आपको स्विच दबा दबा के इसको टॉगल कर करके देखना पड़ेगा दो इन्फॉर्मेशन, समझ लीजिए कि ट्रिप मीटर और ओडोमीटर, या फिर ट्रिप मीटर और टाइम, या फिर टोटल किलोमीटर्स, ओडोमीटर और टाइम आप एक साथ नहीं देख सकते। ये मुझे एक माइनर सा कॉन लगा है, लेकिन फिर भी ये मीटर जो है काफ़ी सॉलिड है। और स्विच गियर और हैंडल बार की अगर बात करें दोस्तों, तो हैंडल बार बिल्कुल ही स्ट्रेट है, आप कम्यूटरिश पोजीशन में बैठेंगे और स्विच गियर की क्वालिटी भी बहुत ही यहाँ पे अच्छी तरीके का दिया गया है। दोस्तों वर्शन 2 से अब जो हैंडल बार है ये अपलिफ्टेड है, तो आपको और भी अच्छी तरीके का यहाँ पे सीटिंग एक्सपीरियंस, राइडिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। दोस्तों पीछे की तरफ आपको मिलेगा फुल्ली एक बल्ब टाइप बैक लैंप और इंडिकेटर्स जो है ये फ्रंट की तरह ही नॉन फ्लेक्सिबल क्लियर लेंस टाइप इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया है। पीछे की अगर बात करें दोस्तों, तो पीछे आपको पहले जैसा ही एक बहुत ही क्लीन लुक मिलता है, लेकिन एक बात है कि ये जो पीछे की जो लाइट है ये एलईडी जैसा दिखता है लेकिन ये एलईडी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम फ्यूल टैंक की बात करें तो बेहद ही मस्कुलर एक टैंक दिया गया है, यहाँ पे आपको यामाहा की लोगों के साथ साथ FZS और वर्शन 3 की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और 12.8 लीटर्स का ये मैसिव टैंक का कैपेसिटी है। साइड में आप देखेंगे दोस्तों टैंक की जो श्राउड्स है वहाँ पे आपको क्रोम गार्निशिंग और स्टिकरिंग देखने को मिलेगा और बहुत ही एक क्लासिक लुक ये दे देता है जो कि किसी भी और बाइक में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों फ्रंट से लुक कुछ इस तरीके का है, साइड से कुछ लुक इस तरीके का है और FI बाइक है तो मिनिमम आपको यहाँ पे 1.5 से 2 लीटर पेट्रोल हमेशा ही टैंक में रख कर बाइक को चलाना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पे नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी और एक्सटेंशंस दिया गया है जो कि ग्लॉसी फिनिश में है, जो कि और भी अच्छी तरीके का एक फील दे देता है। सीटिंग की बात करें दोस्तों, तो सीट मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड लगा है, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा है और सिटी के अंदर भी आप अच्छी तरह से इसको चला सकते हैं। सिंगल पीस सीट है तो फैमिली को लेकर जो लोग राइड करते हैं और कंफर्टेबल सीटिंग जो लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों मैं खुद FZS वर्शन 2 का ओनर हूं, इसीलिए मैं बता सकता हूं कि FZS का जो राइडिंग डायनामिक्स है, जो राइडिंग स्टाइल और पोजीशन है, ये बहुत ही कंफर्टेबल है और वर्शन 3 होकर ये और भी पहले से ज़्यादा, वर्शन 2 से ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका है। बात करें दोस्तों यहाँ पे सस्पेंशन की, तो पहले जैसा ही 41mm के बहुत ही मोटे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में दिया गया है और 130mm ट्रैवल के साथ ये आता है। और पीछे की तरफ दोस्तों अगर बात करें तो मोनो सस्पेंशन आएगा जो कि हाइड्रोलिक 7 times एडजस्टेबल है और इसमें 120mm का ट्रैवल दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें टायर्स की और व्हील्स की, तो दोनों ही तरफ आपको 17 इंच के ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिलेगा। दोस्तों फ्रंट की तरफ आपको 100x80 साइज का टायर मिलेगा और सिंगल चैनल ABS के साथ ही आता है और फ्रंट में आपको 282mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा ABS सेंसर के साथ साथ। आप देख सकेंगे दोस्तों फुल्ली अलॉय व्हील्स है और बहुत ही स्टाइलिश व्हील्स यहाँ पे दिए गए हैं। और दोस्तों पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पीछे आपको 220mm डिस्क मिलेगा, एक टायर हगर मिलेगा और पीछे की तरफ मैसिव 140x60 साइज का रेडियल 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं। और पीछे की टायर रेडियल होने की वजह से बेटर आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलेगा और बेटर कंट्रोल मिलेगा। और अगर आप ट्रैक में या फिर किसी भी ऐसे एरिया में चल रहे हैं जहाँ पे रोड बहुत ही अच्छा है, वहाँ पर और भी ज़्यादा टॉप स्पीड आप अचीव कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक जो मफलर है, मफलर की स्टाइलिंग आप देख सकते हैं, मफलर भी बहुत ही शॉर्ट एंड स्टबी स्टाइल का यहाँ पे लगाया गया है। ब्रेकिंग की अगर बात करें दोस्तों, तो FZS की ब्रेकिंग अब पहले से और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और लार्ज साइज डिस्क ब्रेक्स होने की वजह से बहुत ही अच्छी तरीके का यहाँ पे ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस है 160mm और सीट हाइट 790mm है ताकि एवरेज इंडियन हाइटेड राइडर्स इसको आराम से चला सकते हैं। कर्ब वेट 137kg है जो कि BS4 से नहीं बदला है, पहले जैसा ही है। और माइलेज की अगर दोस्तों हम बात करें तो 45 से ज़्यादा माइलेज आपको सिटी के अंदर ही मिल सकता है और हाईवेज में अगर आप राइड करते हैं तो 50 से 55 किलोमीटर्स पर लीटर आपको ईजिली अचीव होगा।
और दोस्तों अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो 115 से लेकर 125 किलोमीटर्स पर आवर के बीच में टॉप स्पीड यहां पे आपको मिल सकता है। और दोस्तों अगर हम बात करें आफ्टर सेल्स की, तो आफ्टर सेल्स भी अब यामाहा की काफ़ी सही हो गया है। दोस्तों यहां पे कोलकाता में जो एक्स शोरूम प्राइस है, ये डार्क नाइट एडिशन के लिए 1,02,700 रुपीज़ है, जो कि नॉर्मल एडिशन से 1,500 रुपये ज़्यादा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm going to go to the hospital.